बचा हुआ समय है, कुछ अच्छा करके जाऊं कि जाने के बाद लोग याद करें कि कुलमा था। नाटक विधानसभा का ये हाल रहा कि इसके पहले जो प्रतिनिधि रहे केवल अपने लिए बने थे, जनता के लिए नहीं। 3 बार मैंने राष्ट्रीय पुरस्कार लिया जो आज तक पूरे देश में किसी को नहीं मिला है। तो दर्शकों से यही कहूँगा कि जो आपकी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए और भारत की रक्षा के लिए रात दिन सब कुछ त्याग करके लगा है, आप उसका साथ दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका संघर्ष के साथी नाम के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम संघर्ष के साथी से बराबर मिलते रहते हैं। हमारे साथ राजनीति की दुनिया में संघर्षशील और अपने जौनपुर जिले के लिए कुछ करने को लेकर, नई सोच को लेकर हमारे साथ पूर्व विधायक दिनेश चौधरी जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को। सर, अपने संघर्ष के बारे में बताइए कि आपने इतना बड़ा सड़क से लेकर सदन तक का आखिर जो आपका संघर्ष रहा, उसको हमारे व्यूअर जो है दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, संघर्ष तो बहुत लंबा है, बताऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा जी। मैं खाली आपको इतना बता दूँ कि मैं जब 22 साल का था तब से मैं व्यापार कर रहा हूँ जी, और परिवार बहुत बड़ा है, व्यापार भी कई प्रदेश में है मेरे। जब से 2010 और 11 में लौटा, मैं 18 साल छत्तीसगढ़ रहा। 18 साल के आने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष पद का यहाँ पे मौका मिला था और मेरी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष बनी। पहले मैं जिला पंचायत सदस्य बना जी, 1 महीना पहले मात्र आया था चुनाव से जी। लेकिन पारिवारिक जो बैकग्राउंड है, आज तक कोई एक दाग नहीं लगा है पूरे परिवार के ऊपर, उसी वजह से जिला पंचायत सदस्य बना। बसपा की सरकार थी, जबरदस्ती हरा दिया गया बसपा की सरकार थी जी। लेकिन मैंने संघर्ष छोड़ा नहीं, सत्य की लड़ाई लड़ते रहा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, कमिश्नर कोर्ट। फिर 2012 में सपा की सरकार आई, अविश्वास ले आया। हमारे सभी सम्मानित सदस्य लोग नाराज थे, पूरा जिला नाराज था उस अध्यक्ष से। फिर 2013 में अविश्वास ले आया और इसके बाद निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का अवसर मिला, क्योंकि महिला सीट थी तो मेरी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष। किस सन की बात होगी सर? मैं 2013 की बात कर रहा हूँ, जिला पंचायत अध्यक्ष 2013 में जी। निर्विरोध जिला पंचायत, निर्विरोध मतलब आपके विरोध में कोई था ही? कोई था ही नहीं। उसके बाद निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बना और मुझे 3 साल काम करने का अवसर मिला, करीब 3-3.5 साल। 3.5 साल में ही 3 बार मैंने राष्ट्रीय पुरस्कार लिया जो आज तक पूरे देश में किसी को नहीं मिला है लगातार। यह एक रिकॉर्ड है, ये भी एक रिकॉर्ड है। और जो काम करने का अपने अंदर एक जुनून है जी, पूरे जिले के लिए कोई भी आया हो, चाहे हमारे सम्मानित सदस्य रहे हो, चाहे जनता रही हो, किसी को खाली हाथ लौटने नहीं दिया। उसी का कारण है कि 3 बार मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। फिर 2017 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, भारतीय जनता पार्टी मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे टिकट दी और हमारे क्षेत्र की सम्मानित जनता ने मुझे विधायक बना। 5 साल मेरा विधायकी काल भी रहा किराकत में। किराकत विधानसभा का ये हाल रहा कि इसके पहले जो प्रतिनिधि रहे जी, वो केवल अपने लिए बने थे, जनता के लिए नहीं बने थे। वो बहुत बुरा हाल था। मुख्य मुख्य जो समस्याएं होंगी जब आप क्षेत्र में गए होंगे पहली बार, तो देखने को मिला होगा काफ़ी, खासकर उस समय जब आपको भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है टिकट दिया गया। तो क्षेत्र में जाते हैं तो कौन सी ऐसी मुख्य मुख्य समस्याएं थी आपको, जैसे लगता था कहीं कहीं ज़रूरत है और उसको आपने कराया? जनता की उपेक्षा बहुत हुई है जी, इसके पहले की सरकार में भी और जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, चाहे वो सांसद रहे हों चाहे विधायक रहे हों। सड़क का बहुत बुरा हाल था, फायर स्टेशन नहीं था, कृषि विज्ञान केंद्र नहीं था, महिला डिग्री कॉलेज नहीं था, राजकीय इंटर कॉलेज नहीं था। तो ये सब मैं जब घूमता था तो उसी समय स्वयं डायरी में नोट करता था, स्वयं डायरी में नोट करता था। जिस गाँव में जाता था कि ये सड़क है कि नहीं है, उसको तुरंत नोट करता था और उसको ले जाके फिर नोट करता था, लेटर बनाता था, माननीय मंत्री लोगों से निवेदन करता था। आज ये हालत है कि सड़क की जाल बिछी हुई है,
जिले में इतना सड़क किसी जगह बना नहीं है जितना किराकत में बना। करीब 2 साल तो कोरोना काल आ गया जी, मात्र मुझे 2.5 साल मिला मौका। 2.5 साल में ही करीब 950 करोड़ रुपया मैंने खर्च किया सरकार का अपने विधानसभा में। यही एक जी हाँ, केवल किराकत विधानसभा में बहुत से काम हो गए हैं। कोरोना के नाते बहुत से काम अभी नहीं हुए हैं, उसके लिए भी मैं लगा हूँ अभी, चूँकि मेरी ही सरकार है उसके लिए भी मैं लगा हूँ कि और जो भी हमारी सड़कें या जो हमारे योजना अधूरी रह गई हैं उसको भी मैं पूरा करूँ। इसके लिए मैं माननीय हमारे प्रदेश के विकास पुरुष यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और पूरी टीम के साथ लगा हूँ, निवेदन करता हूँ। और आश्वासन भी मुझे मिला है कि नहीं, आप लगे रहिए, जो जो काम होगा सब काम होगा, तो मैं लगा हूँ और जो चीज़ बच गई उसको भी मैं पूरा करूँगा। आज भी जब हम आए हैं, जैसा कि देखा तो अभी यहाँ पर हम कार्यालय में आए हैं, तो आज भी आप जो है कुछ नेता प्रतिनिधिगण ऐसे होते हैं जैसे जब उनको जनता नकार देती है कहीं ना कहीं विश्वास पे खड़े नहीं उतर पाते हैं, तो वो लोग जैसे अपने जो पुराने रहते हैं उसमें व्यवसाय में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन आज भी आप जनता दरबार लगाते हैं। मुझे जनता से बहुत प्यार है, जनता मेरे ऊपर विश्वास की है। मैं बराबर सर क्षेत्र में बने रहते हैं, यह सबसे बड़ी आपकी खूबी। मैं क्योंकि जो ये जो मुझे संस्कार मिला है ये हमको विरासत में मिला है जी, मेरे दादा मेरे पिताजी और हम लोग, सेवा भाव जी, सेवा भाव। ये क्वेश्चन यह करेंगे कि आपसे, जैसे आप व्यवसाय के क्षेत्र में थे तो व्यवसाय क्षेत्र आपका व्यवसाय भी कई प्रदेशों में चलता है और अच्छा खासा चल रहा है, फिर राजनीति में आने का मन कैसे हुआ? सेवा जी, क्योंकि मेरे दादा थे वो भी सेवा भाव करते थे, मेरे पिताजी थे ब्लॉक प्रमुख भी थे जलालपुर के, वो भी सेवा करते थे। आज वो लोग नहीं है, हम लोगों का नंबर है जी, तो उसी चीज़ को क्रम में हम भी आगे बढ़ा रहे हैं, इसीलिए हम लगातार सेवा भाव। और मैंने विधायकी को व्यवसाय नहीं बनाया जी, मैं एक सेवा भाव से लगा रहा। भैया देखो रिटर्न टिकट तो सबका कंफर्म है, वेटिंग नहीं है ना आपका ना मेरा जी, ये तो ही है, समय निश्चित नहीं है, लेकिन जो बचा हुआ समय है कुछ अच्छा करके जाऊं कि जाने के बाद लोग याद करें कि फलाना था, कोई था जो किया, इसीलिए एक सेवा भाव। गरीबों की सेवा सबसे बड़ी पूजा है। जौनपुर में जैसे आप, ये तो रही किराकेट विधानसभा, जौनपुर में जैसे आप देखते हैं तो मुख्य समस्याएं क्या क्या, मतलब आप देखते हैं जैसे जो आप देखते हैं जौनपुर में खासकर उस समय, जैसे ट्रैफिक की समस्या होती है, आज भी जाम की समस्या है, कुछ सड़कें अभी भी हैं, चूँकि आपको मौका अगर दिया जाएगा सम्मानित जनता द्वारा जैसे आने वाले समय में चुनाव उनाव लड़ने के जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष का, तब आप समग्र विकास कर सकते हैं जौनपुर। नहीं, विकास तो हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं मंत्री हैं यहाँ लगे हुए हैं करने के लिए और कर भी रहे हैं जी। जाम की जहाँ तक समस्या है तो ये तो बहुत पुरानी प्रथा चलते आई है जी, जगह जगह शहर के अंदर है, क्योंकि पहले से बना हुआ है तो तोड़ के तो गिरा नहीं देंगे, नहीं। उसी को वन वे, हमारी अधिकारियों के साथ उठा उठा बैठक होती है तो उसको एक कहीं से वन वे करो, कहीं से नो एंट्री करें, तब जाके ये समस्या समाप्त होगी। बाकी हम किसी का घर गिरा के हम समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते, इसके लिए प्रशासन लगा हुआ है, हमारी सरकार भी लगी हुई है। तो जैसा कि आप देख रहे थे अभी हमारे साथ मौजूद थे जनप्रतिनिधि के रूप में जो आज भी निरंतर सेवा भाव से लगे रहते हैं, और चूंकि आज जो है माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी का आगमन है तो थोड़ी व्यस्तता है, इस कारण ज़्यादा समय नहीं दिया, फिर भी जितना था इन्होंने बताया कि आखिर अभी तक कैसे आगे बढ़े। और आने वाले वर्षों में सर, आने वाले समय में कहीं कहीं मन में कुछ रहता है, एक सपना रहता है कि हम आने वाले समय में इस चीज़ को करेंगे, मतलब अपने जिलों को लेकर, अपने क्षेत्र को लेकर, प्रदेश को लेकर, तो कोई बड़ा सा एक सपना जैसे? मेरा एक सपना बहुत बड़ा है जी, जौनपुर जिले का नाम महर्ष यमदग्नि के नाम से जी, यमदग्निपुरम, यमदग्निपुरम के नाम से महर्ष यमदग्नि के हाँ महर्ष यमदग्निपुरम के नाम, यमदग्निपुरम के नाम से था जी। बाबर ने जब यहाँ आए जी तो उनका एक भाई का नाम था जूना खान जी, तो जूना खान के नाम से फिर उसने जौनपुर को ये यमदग्निपुरम का नाम हटा के जौनपुर, जूना खान की जगह जौनपुर रख दिया जी। इसी के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया हूँ, अगर ये काम हो जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा जी, क्योंकि जो उनका जब उनका आज भी जमैथा में आश्रम है जी। और वहाँ बहुत भव्य मेला लगता है, आज भी हमारा अयोध्या हो गया, बीच में जौनपुर हो गया, फिर इधर काशी हो गया,
बीच में जौनपुर है, इसीलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है इसका नाम अगर यमदग्निपुरम हो जाए तो यहाँ की जनता बहुत खुश होगी। आपके फेसबुक वाले से कल हम देखे और पता चला कि जो ज्ञानवापी मंदिर था उसको मस्जिद बना दिया गया था, तो उस पर भी न्यायालय ने फैसला दे दिया जिला जज ने कि वह वास्तव में था इतिहास। देखिए भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए बहुत कुछ कर रही है जी। ये जो विपक्षी हैं वो केवल वोट की राजनीति करते हैं, उनका तो यही है महंगाई। भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति नहीं करती है जी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस देश को मजबूत करने के लिए, सबसे आखिरी आदमी कैसे मजबूत होगा उसके लिए तरह तरह की योजनाएं चला रहे हैं, उसका उनको लाभ दिलवा रहे हैं। और जो पुरानी प्रथा को, चाहे वो बाबर के समय का रहा हो चाहे अंग्रेजों के समय का रहा हो, उसको रहा के फिर वो अपनी पुराने विरासत को वापिस ला रहे हैं जी। सबसे पूरा देश हमारा बहुत खुश है। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से कह सकते हैं जौनपुर पे लेकर चलने वाले और केराकत विधानसभा के पूर्व विधायक जी दिनेश चौधरी जी ने हमारे चैनल पे आप संघर्ष की कहानी उन्हीं की जुबानी के इस शो में अपना संघर्ष को बताएं और आने वाले वर्षों में या क्या करना चाहते हैं, जौनपुर को लेकर क्या सपना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं संघर्ष के साथी में चैनल पर एक नए संघर्ष के साथी के साथ। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहते हैं जाते जाते हमारे दर्शकों को, लगभग 1800 लोग आपको देख रहे हैं ऐसे में क्या? मैं तो दर्शकों से यही कहूँगा कि जो आपकी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए और भारत की रक्षा के लिए रात दिन सब कुछ त्याग करके लगा है, आप उसका साथ दीजिए। धन्यवाद।